नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखो आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड साइंस का मैथमेटिक पार्ट वन जो है उसमें से आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखने वाले हैं। 1.2 में से देखिए आज हम पांच क्वेश्चंस और उस कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में और पाँच क्वेश्चन, बोले तो टोटल 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर डिस्कस किया है। तीन या चार वीडियो 1.1 पे बने हैं, बड़ा था एक्सरसाइज नंबर। तो उसकी जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, तो उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उस लिंक पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो। ओके, और उसी के साथ यह वीडियो अगर आप मराठी में देखना चाहते हो तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर यही वीडियो आप मराठी में भी देख सकते हो। ओके, और उसी के साथ इस चैप्टर के ऊपर आधारित अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के नीचे और एक लिंक दी है मैंने, उस लिंक पर क्लिक कर आप इस चैप्टर के जो नोट्स है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो PDF स्वरूप में। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो देखो ये कुछ क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चंस देखने से पहले आपको दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो मालूम चाहिए। देखो सबसे पहली बात, दो फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए, एक जो है लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी लेंथ ऑफ एन आर्क जिसे हम यस कहेंगे वो क्या है उसका फॉर्मूला, और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं वह हमें निकालना है। ये जो दो फॉर्मूलाज है ये दो फार्मूला अच्छी तरह से हमें मालूम चाहिए। अभी सेक्टर मतलब क्या और आर्क मतलब क्या, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। देखो अगर मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल में जो है सेंटर मेरा O है, और ये देखो यहाँ से मैंने अगर एक ऐसा ये निकाला, यहाँ से एक एरो निकाला, यहाँ से एक एरो निकाला, यहाँ क्या है सेक्टर किसे कहते हैं? देखो ये जो पार्ट है ये बीच में का पूरा, इसे हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम सेक्टर कहते हैं, और इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। अभी ये सेक्टर में क्या है, देखो यहाँ तो आपका थीटा होगा, ये जो थीटा है यहाँ, और उसके बाद समझो ये ए है, ये बी है, और ये एक्स है। ए एक्स बी को हम आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम आर्क कहेंगे ए एक्स बी को, और ये पूरा जो पार्ट है इतना इसे हम सेक्टर कहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ इस सेक्टर का नाम कैसे है, ओ ए एक्स बी, ये एक सेक्टर है ओ ए एक्स बी, ये पूरा जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना आपको, इसको सेक्टर कहते हैं, और ओनली ये जो आर्क है ए एक्स बी इसे हम आर्क कहते हैं। तो अभी ये फार्मूला निकालने का, सॉरी ये जो इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, और लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला है आर थीटा। ये दो फार्मूला को आपको नीट ठीक से समझ में लेना बहुत जरूरी है। थीटा की जो वैल्यू है ना यहाँ वो कैसे रहते हैं, रेडियन में रहते हैं। थीटा का जो मेजर है वो है यहाँ रेडियन में रहता है। रेडियन मेजरमेंट एक अलग तरीका है जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखा था। तो प्लीज़ एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे वीडियो देखिए, अगर वो नहीं आपने देखे तो यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ रेडियन मेजर में है, डिग्री में नहीं। देखो पिछले साल तक हमने डिग्री देखा, डिग्री बोलो तो 70 डिग्री 80 डिग्री, लेकिन ये साल एंगल के मेजर जो है उसको, वह मेजर जो है उसके जो परिमाण है ओके वह रेडियन में भी है। जैसे मेरे को ये पेन का लेंथ मैं सेंटीमीटर में बता सकता हूँ, किलोमीटर में बता सकता हूँ, मिलीमीटर में बता सकता हूँ, फुट में, इंच में बता सकता हूँ, उसी तरह से आपका जो एंगल है उसका मेजर आप दो तरीके से कह सकते हो, एक तो है डिग्री मेजर और दूसरा जो है रेडियन में से भी आप काउंट कर सकते हो, और तीसरा फारेनहाइट भी है। ओके, लेकिन नहीं सॉरी वो टेम्परेचर हो गया। अभी हम आगे जाते हैं ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है उस फार्मूला में जाते हैं। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक तो ये फार्मूला है, और एक फार्मूला है देखो इसका एरिया ऑफ सेक्टर का। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, और इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 आर इंटू आर थीटा, इस तरह से लिखता हूँ, तो क्या होता है, ये जो आर थीटा है अपना, ये तो आर थीटा मतलब यस है लेंथ ऑफ एन आर्क है, लेंथ ऑफ एन आर्क आपकी आर थीटा थी, तो यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू आर इंटू, ये जो आर थीटा के जगह पे मैं डायरेक्टली यस लिखता हूँ, तो 1/2 इंटू आर इंटू यस, बोले तो 1/2 इंटू रेडियन इंटू मेजर ऑफ लेंथ जो है लेंथ ऑफ एन आर्क वो हो सकता है। ओके, 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क,
ये भी एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है, हो सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूले हैं, एक तो 1/2 r² थीटा और दूसरा 1/2 r s। जिस तरह की वैल्यू दी जाएगी हमें उस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और लेंथ ऑफ एन आर्क निकालने का ये एक ही फार्मूला है, आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू जो एंगल होगा वह। तो ये तो हो गए कुछ फार्मूले, इस फार्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट फार्मूले, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। देखो अभी तो मैं फिलहाल लेंथ ऑफ एन आर्क का ही फार्मूला लिखता हूँ जो है एस इज इक्वल टू आर थीटा, बिकॉज ये पाँची के पाँची क्वेश्चन में खाली यही फार्मूले का यूज़ करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है वो अगले 5 क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसे रब करता हूँ और जो अपने क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करने को लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन है उसमें से पहला जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या है बाबा, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, जो आर्क है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। ओके, बोले तो ये फॉर्मूला, आर इंटू थीटा ऑफ अ सर्कल विच सबस्टेंड एन एंगल 108। बोले तो थीटा कितना है, देखो 108 डिग्री है। देखो ये फॉर्मूला अगर मुझे यूज़ करना है लेंथ ऑफ एन आर्क का, आर इंटू थीटा, तो आपका थीटा जो है वो रेडियन मेजर में चाहिए, थीटा का जो मेजरमेंट है वो रेडियन में चाहिए। ये लेकिन यहाँ जो मेजरमेंट है वो डिग्री में है, तो आपको पहले डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर सेंटीमीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा बहुत सारे कुछ नंबर से, या फिर मीटर से किलोमीटर करना है तो सॉरी डिवाइड करूँगा, ओके, या फिर 1 किलोमीटर का मीटर में करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। उसी तरह से अगर मुझे ये जो डिग्री है उसका अगर रेडियन में करना है तो हम क्या करते हैं, देखो किससे मल्टीप्लाई करने का, 108 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। किससे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सॉरी रेडियन में आ जाएगा, डिग्री का क्या होगा, रेडियन में आ जाएगा। अभी 108 और 180 ये दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, 36 के टेबल में। देखो 36 3 जा 108 और पाई अपने जगह पे, और 36 5 जा 180 आता है, तो 3π/5। तो आपके पास थीटा जो है वो क्या आया, 3π/5 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया। अभी थीटा के बाद यहाँ रेडियस जो है आपकी, वो रेडियस क्या है, एट द सेंटर हो गया, और इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 15 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी मेरे पास रेडियस भी है और थीटा भी जो है वो अभी मैंने रेडियन में निकाला। अभी मैं लिख सकता हूँ बाबा क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो यहाँ लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क, ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क, ओके। तो लेंथ ऑफ एन आर्क यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, रेडियस कितना है 15 है, तो यहाँ लिखा 15 इंटू थीटा क्या है बाबा, 3π/5 है। अभी 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 3 × 3π हो गया, ठीक है, 3 3 जा 9 और पाई 9π सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, एकदम आसान है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो पार्ट है इसके नोट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर का भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, मैं थोड़ा इंक जो है उसको फिल करता हूँ। देखो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है इसे समझने के लिए खाली दो फार्मूला आपको आने चाहिए, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर और दूसरा लेंथ ऑफ एन आर्क, दोनों भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इजी चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 भी देखो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, तकरीबन 13-14 क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी है, हमने देखा था। वह भी वीडियो आप देख लीजिए, उसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 के सॉरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के वीडियो के लिंक। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो आर्क का लेंथ निकालना है ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। देखिए यहाँ थीटा तो कहाँ नज़र नहीं आ रहा है भाई, थीटा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन क्या दिया है, रेडियस है सर्कल का 9 सेंटीमीटर। समझो ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, समझो ये 9 सेंटीमीटर का रेडियस है जिसे मैं ओ ए कहूँगा, और एक आर्क तो मुझे निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क ये निकालना है, समझो ये बी है यहाँ, ये आर्क निकालना है ए बी। अभी ये भी ओ बी भी 9 सेंटीमीटर होगी बिकॉज रेडियस सभी इक्वल रहते हैं। अभी यहाँ क्या दिया है बाबा, की विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ,
ओके, यहाँ से ये जो आर्क है, ये आर्क से जो कॉर्ड बनती है, देखो ये जो कॉर्ड बनती है, ए बी क्या हो गए, कॉर्ड हो गए, जिसे मराठी में जीवा कहते हैं, ये कॉर्ड हो गई। ए बी जो कॉर्ड है वो कितनी है, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। ये क्या है, जो लेंथ ऑफ रेडियस के लेंथ के बराबर है, बोले तो 9 सेंटीमीटर। तो अभी थीटा आपको मिलेगा, देखो आपके पास रेडियस है, खाली थीटा निकालना था। अभी ये ट्राइंगल तो इक्वालेटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्वालेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑल साइड जैसे इक्वल होती है, वैसे ऑल एंगल भी इक्वल रहते हैं और 60 डिग्री के रहते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री के बोलो तो आपको थीटा 60 आ जाएगा, बिकॉज ये इक्वालेटरल ट्राइंगल है, आप बता सकते हो। ओके, तो देखो अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसे मैं क्या क्या कहूँगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है, ओ ए और ओ बी, ये दोनों भी रेडियस है, और वह क्या है, 9 सेंटीमीटर है। और उसके साथ उन्होंने क्या कहा, ये जो क्वाड है उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। देखो क्वाड ए बी, क्वाड ए बी इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस बोले तो रेडियस क्या है, ओ ए ओ और बी ओ है, ए ओ, ओ ए और ए ओ एक ही, और ओ बी और बी ओ एक ही होती है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ ए बी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, और जिस ट्रायंगल के तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं वो ट्रायंगल क्या रहता है, इक्वालेटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्वालेटरल ट्रायंगल, तो मेरे स्पेलिंग थोड़े से गलत आ सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करने का। तो अभी ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो उसके सभी साइड जैसे इक्वल है वैसे ही सभी एंगल इक्वल। सो देयरफॉर एंगल एबीसी नहीं है, एओबी है, एओबी, एंगल ए ओ बी इज इक्वालेटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया, तो हमारा एंगल ए ओ बी कितना होगा, 60 डिग्री का, बिकॉज जो इक्वालेटरल ट्रायंगल होते हैं उसका सभी एंगल जो है वो कैसे रहते हैं, 60 डिग्री के रहते हैं। तो अभी आपका थीटा जो 60 डिग्री में, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करने का तभी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो लेंथ ऑफ एन आर्क का। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू पाई अपॉन 180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी 63 जा 180, तो क्या हो गया मेरे पास, तो देयरफॉर मेरा जो थीटा है वो क्या हो गया, ऊपर तो पाई रह गया और नीचे ये 3 रह गया। थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, थीटा आ गया पाई अपॉन 3, और आपकी रेडियस जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। अभी हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क। अभी लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना आसान है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखने का खाली, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है बाबा, यस इज इक्वल टू आर थीटा, जो आर जो है, आर कितना मेरे पास है 9 है, इंटू थीटा कितना है पाई अपॉन 3 है, 3 3 9, तो कितना हो गया 3 पाई हो गया सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल सकते हैं। देखो कभी कभी थोड़ा सा लेवल बढ़ता है क्वेश्चन का, थीटा नहीं दिया था तो थीटा निकाला मैंने, कुछ टेंथ के रूल हमने देखे, इक्वालेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं ये मालूम चाहिए, छोटे छोटे रूल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, तो अभी हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट मार्कर लेना है तो प्लीज़ आप ले सकते हो। ओके, तो ये जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे अभी, लेकिन आगे जाने से पहले देखो बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो जो बच्चे नए हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप नए हो तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, और कुछ जाता नहीं, आपने सब्सक्राइब किया तो भी आपके कुछ पैसे वैसे तो नहीं कटते, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ओके, तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। अभी एंगल का मेजर निकालना है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। ओके, एंगल का मेजर निकालना और वो भी डिग्री में निकालना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। एक आर्क है और हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो मेरे को क्या दिया है, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का जो लेंथ दिया है जो एस है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है आर, वो कितनी है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड
सबटेंडेड एट द सेंटर, वो मुझे निकालना है जो थीटा है इज इक्वल टू व्हाट, थीटा निकालना है। तो देखो आपके पास यस है, आर है, थीटा निकालना है, तो आप यस का फॉर्मूला यूज करो ना, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यस की वैल्यू मेरे पास 15 है, आर की वैल्यू मेरे पास 25 है, और थीटा तो मुझे निकालना है। 25 मल्टीप्लाई ये बाजू में आई डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू थीटा, तो आपका थीटा कितना हो गया, 15 और 25 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 जा और 5 2 जा, ये हो गया रेडियन में, सॉरी 5 3 जा और 5 5 जा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये रेडियन में हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो एंगल है उस जिसका मेजर है वो आपको डिग्री में निकलना है। अभी रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट अगर करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखा है। तो प्लीज़ 1.1 अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख के लीजिए। तो अगर इसे मुझे क्या करना है, अभी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 × 180, देखो 3 अपॉन पाई अपने जगह पे, 3 अपॉन 5 अपने जगह पे जैसा है वैसा लिखो, और इंटू क्या करो, 180 अपॉन पाई करो। ओके 180 अपॉन पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है पूरा डिग्री में। अभी 5 से 180 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 30 डिवाइड कर सकते हो तो आपको 36 मिलेगा। देखो 5 से 180 को डिवाइड करो 36 मिल जाएगा आपको। सो थीटा इज इक्वल टू 3 × 36 डिवाइडेड बाय पाई बोले तो 22/7 रहता है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो आपका 7 है ये जाएगा ऊपर, ओके, और ये 30, या फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 36 3 का कितना आता है, 108 आता है, तो यहाँ लिखो 108। अभी ये 7 डिवाइड है ऊपर गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 को आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो आपका थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 108 × 7 और डिवाइडेड बाय ये 22। सो अभी 108 × 7 आप करो, ये मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करो, ये 22 और 108 ये दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 22 को किया 2 से डिवाइड 11, और इसको किया 54 हो गया, ठीक है। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 11 करो, 7 × 4 = 28 ऊपर आए 2, 7 5 जा कितना हो गया, 35 35 और 2 × 2 = 37 अपॉन 11, देखो 37 8 बोले तो 378 अपॉन 11, इसको डिवाइड करो, 11 से 378 को डिवाइड करो, देखो 11 3 जा 33, ऊपर से आया 4 और 8, 11 4 जा 44, 4 लिया पॉइंट लिया 0 लिया, 11 3 जा 33, उसके बाद 40 में से 33 गए 7 लिया और एक 0 लिया, तो कितना आया 11 6 जा 66 बोले तो आप लिख सकते हो 34.36 डिग्री, तो इतना लिखा तो भी चलेगा 34.36 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा उल्टा था कैलकुलेशन, जो बेसिक पार्ट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बेसिक वीक है तो आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, जब डिवाइड करते समय कुछ पॉइंट्स कहाँ लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, पाई की वैल्यू क्या रहती है, पाई की वैल्यू 2 है, एक तो 22 अपॉन 7 लिया तो भी चलेगा, या फिर यहाँ 3.14 अगर आप लेते तो भी आपका आंसर आता था, ठीक है। तो ये 3 तो क्वेश्चन हो गया, अभी 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो इसे तो मैं रफ करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट मारकर अगर लेना है तो प्लीज़ लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी PDF फाइल की जो नोट्स है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी इजी है। अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेटेड थ्रू एन एंगल 18 डिग्री। देखो एक पेंडुलियम है जो हमारे, देखो ऐसा फिरता है, ऐसा घूमता है ना, देखो मेरे आँखों में आँखें डालकर देखो, इस ब्लू कलर के जो टोपन है इसके साथ इसके पास देखो, ऐसा नहीं नहीं क्या रहता, ऐसा 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 जो घूमता है, या फिर आपके घड़ी में भी रहता है ना, पुराने घड़ी में, बड़े वाले घड़ी में ऐसा रहता है, जिसे पेंडुलियम कहते हैं, वो ऐसे घूमता है। तो समझो ये ए पॉइंट है, और समझो ये एक ओ ए पॉइंट है, यहाँ से वो घूमता है ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है ऐसा, ठीक है। और ये जो एंगल है वो 18 डिग्री के एंगल में ही घूमता है वो, और उसका जो लेंथ है वो कितना दिया था बाबा मेरे पास, 14 सेंटीमीटर दिया था, उसका लेंथ था 14 सेंटीमीटर, और यहाँ भी मैं कहता हूँ 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि बाबा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, उस पाथ का लेंथ, ये जो घूमता है ना इतना, तो इसका लेंथ मुझे निकालना है। तो ये लेंथ बोले तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क होगा, तो आपको लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ थीटा क्या है मेरे पास, थीटा जो है वो 18 डिग्री है, इसको रेडियन में करता हूँ, 18 × π/180। देखो डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करने का,
और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करना, ये ढूंढ, ये ध्यान में रखो। 18 × 10 = 180, तो मेरे पास क्या आया बाबा, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया, ऊपर तो पाई है नीचे 10 है और अपना ये रेडियन हो गया, ठीक है। तो रेडियन को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 10 रेडियन, थीटा ज़रा ठीक से लिखता हो, पाई अपॉन 10 रेडियन ये थीटा हो गया। अभी थीटा मिल गया आपके पास, अभी रेडियस जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ आर इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 14 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है कि लेंथ ऑफ पाथ, इसका जो लेंथ है ना ये पाथ का वो निकालना है, वो मतलब क्या है आर के, तो मुझे लेंथ ऑफ एंड आर्क लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आंसर में लिखूंगा लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पेंडुलियम, ओके, ऑफ पेंडुलियम इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इस इज इक्वल टू आर, इसे हम एस कहेंगे, लेंथ ऑफ पार पाथ मतलब क्या होगा, ये एस होगा, एस मतलब ये क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क होगा, इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो गया। रेडियस कितना है बाबा मेरे पास, 14 है, और थीटा कितना है, पाई अपॉन 10 है, पाई अपॉन 10 हो गया। अब ये दोनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 7 से, देखो सॉरी 2 से, 2 × 7 = 14, पाई अपने जगह पे, और ये 10 की वैल्यू, 10 जो है 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 2 × 5 = 7 पाई अपॉन 5 आ गया। अभी क्या करेंगे, ये जो पाई की जो वैल्यू है वो क्या रहती है, 22/7 और डिवाइडेड बाय अपना 5, 7 कट हो गया, तो मेरे पास कितना आया 22/5। अभी 22, अभी हम क्या करेंगे यहाँ कि s इज इक्वल टू, ये 22 को 5 से डिवाइड करेंगे, 22/5, देखो 5 × 4 = 20, 22 में से 20 गए, 2 रह गए, एक जीरो दिया ऊपर, पॉइंट दिया, और 5 × 4 = 20, तो 4.4 सेंटीमीटर आ गया, उसका जो पाथ है वो कितना आ गया, 4.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो गया, अभी ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं, लेकिन इसे इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ मार्क कर लीजिए अगर आपको ये जो आंसर है वो चाहिए तो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी मैंने रफ किया है, अगला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा अलग है। देखो क्या कहा है, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60° एंड 75° एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल, दो सर्कल है, देखो मेरे पास दो सर्कल है, एक जो सर्कल है देखो ये सर्कल है और दूसरा जो सर्कल है ये दूसरा सर्कल है, इन दोनों का 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, ये दोनों के जो आर्क है, कुछ आर्क है वो सेम है, देखो इस सर्कल को ज़रा ठीक से निकालते हैं हम, हाँ ये जो दूसरा वाला जो सर्कल पहला वाला इसको ज़रा ठीक से निकालते, समझो ये एक सर्कल है, ठीक है, इनका आर्क इक्वल है, समझो मेरे पास ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो आर्क है समझो, ओके, इसे हम क्या कहेंगे, चलो पहले ये तो एंगल निकालते हैं, ये तो आपका हो गया ओ, ओके, और ये दूसरा एक आर्क निकालेंगे यहाँ भी पी कहेंगे, ओके, हाँ, तो अभी यहाँ जो आर्क है इसे हम ए बी कहेंगे, ये आर्क ओ एस आर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो दो आर्क है उन्होंने क्या कहा है, ये सेम है, देखो ये आर्क और ये आर्क ये दोनों भी सेम है, इस आर्क को मैं क्या कहूँगा यस वन कहूँगा और इस आर्क को मैं क्या कहूँगा यस टू, ये दोनों भी सेम है, बट सबस्टैंडर्ड एंगल एक का 60 दूसरे का 75 है, एक का यहाँ सबस्टैंडर्ड एंगल 60 है और दूसरे का 75 है, तो हमें क्या करना है कि एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल, तो व्हाट इज़ द रेडियस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, तो ये दो सर्कल के हमें क्या करना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। क्या दिया है मुझे, आर्क एक तो इक्वल है, थीटा एक का 60 है दूसरे का 75 है, तो मुझे इनके रेडियस का क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना, तो इसकी रेडियस मैं R1 कंसिडर करता हूँ, इसकी रेडियस R2 कंसिडर करता हूँ, ओके, इसका जो आर्क है S1 है, इसका आर्क S2 है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसका थीटा जो है वो θ1 है और इसका थीटा जो है वो θ2 है, ओके, तो अभी मैं यहाँ लिखने के लिए स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है अपना। देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, देखो हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क हूज सबस्टैंडर्ड एंगल, सबस्टैंडर्ड एंगल जिसे हम थीटा कहेंगे, वो क्या θ1 कहेंगे, इज S1, इज S1, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क हूज सबस्टैंडर्ड एंगल, देखो ऐसे आर्क का लेंथ जिसका सबस्टैंडर्ड एंगल θ1 है, क्या है θ1 कंसिडर करते, उसकी वो जो आर्क है वो S1 है एंड उसकी जो रेडियस है
एंड रेडियस इज आर वन। देखो थीटा वन एंगल यस वन आर्क और आर वन क्या हो गई, रेडियस हो गई। और उसी के साथ लेंथ ऑफ एन आर्क हुज सबस्टेंडेड एंगल थीटा टू इज एस वन। देखो जिसका एंगल थीटा टू है, सबस्टेंडेड एंगल थीटा टू है, उसकी जो आर्क है वो एस टू है एंड रेडियस जो है रेडियस इज आर टू। ओके तो अभी हम क्या करेंगे, थीटा वन और थीटा टू जो मुझे दिए हैं, जो डिग्री में दिए, उनको पहले रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। थीटा वन इज इक्वल टू 60 डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, 60 इंटू पाई अपॉन 180 हो गया, 180 रेडियन हो गया। 61 जा 60, 63 जा 180, तो मेरे पास हो गया पाई अपॉन 3 आ गया। दूसरी बात, थीटा टू मुझे मैं निकालूंगा, थीटा टू क्या है मेरे पास 75 है डिग्री, तो 75 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, 75 इंटू पाई अपॉन 180 हो गया। अभी दोनों को मैं 15 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 15 फाइव जा सेवेंटी फाइव फाइव पाई, और 180 को अगर आप 15 से डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास 12 आएगा, तो 5 पाई अपॉन 12। तो मेरे पास यहाँ थीटा वन जो है वह मेरे पास कितना है कि बाबा पाई अपॉन 3 रेडियन है, और थीटा टू जो अपना है वो मेरे पास कितना है 5 पाई अपॉन 12 रेडियन है। तो थीटा वन और थीटा टू आ गए, तो आगे का सफ़र जो है आपका एकदम सिंपल है। इनको आपने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो अभी क्या करना है आपको कि रेडियस का रेशो निकालना है। लेकिन सबसे पहली बात एक इम्पॉर्टेंट जो है इंटरेस्टिंग है वो क्या बताइए, टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये दोनों आर्क की लेंथ सेम है। बोले तो देखो पहले तो हम एस वन निकालते, चलो एस वन कितना हो गया आर इंटू थीटा, एस वन का फॉर्मूला क्या आर वन इंटू थीटा वन, बराबर। तो अभी आर वन कितना मेरे पास मालूम नहीं, आर वन तो आर वन है, और थीटा वन कितना है मेरे पास पाई अपॉन थ्री, तो इसका क्या आंसर हो गया पाई आर वन अपॉन थ्री, ये हो गया एस वन। ओके एस वन कितना पाई आर वन अपॉन थ्री, यहाँ लिखो एस वन इज इक्वल टू पाई आर वन अपॉन थ्री सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगा एस वन। अभी उसी के साथ आप एस टू भी निकालो, एस टू क्या होगा इज इक्वल टू आर टू इंटू थीटा टू, आर टू इंटू थीटा टू, आर टू अपने जगह पे, थीटा टू कितना बाबा 5 पाई अपॉन 12 रहता है, तो आपका आंसर क्या आएगा देयर फोर 5 पाई अपॉन 12 इंटू आर टू, ठीक है 5 पाई अपॉन 12 इंटू आर टू, सो देयर फोर एस टू इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 इंटू आर टू, ये क्या हो गया आपका एस टू हो गया। तो अभी इस हिसाब से आपको रेशो आर वन और आर टू का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कैसे देखो, बिकॉज हमारे पास क्या है एस वन इज इक्वल टू एस टू है, ठीक है एस वन क्या मेरा देखो पाई आर वन अपॉन या फिर पाई अपॉन थ्री आर वन, ये मेरे एस वन है, और एस टू क्या है 5 पाई अपॉन 12 इंटू आर टू, ठीक है। अभी ये पाई पाई तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आ गया आपका आर वन अपॉन थ्री, और यहाँ क्या आ गया 5 अपॉन 2 इंटू आर टू। अभी हम क्या करेंगे 5 अपॉन 12 इंटू आर टू, अभी क्या करेंगे आर वन अपॉन आर टू का रेशो चाहिए, तो ये आर टू मल्टीप्लाई ये बाजू में आई डिवाइडेड बाय, देखो आर वन अपॉन आर टू हो गए, और ये जो 3 डिवाइड है उसको वो बाजू में लेके जाएंगे 5 अपॉन 12 इंटू मल्टीप्लाई 3। क्या किया मैंने, ये जो आर टू मल्टीप्लाई ऊपर है उसको नीचे लाया आर टू को, और ये 3 डिवाइड है उसको वो बाजू में लेके गए, ठीक है। अभी क्या होगा 3 4 जा 12, तो आपके पास आर वन अपॉन आर टू कितना आएगा, ऊपर तो 5 रह गया और नीचे 4 रह गया इज इक्वल टू 5:4, तो ये जो रेशो आ गया ये आपके पास है 5:4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व कर सकते हो, इसका अगर आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले सकते हो, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। ओके यस हाँ, तो देखो इस तरीके से दोस्तों ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आज के वीडियो में हमने ये 5 क्वेश्चंस देखे, लेकिन कल के वीडियो में हम आगे के जो कुछ फाइव क्वेश्चन है वो एकदम सिंपल है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6 और आगे के सभी, खाली 2 फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए, पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर एंड दूसरा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये 2 फॉर्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो प्लीज पिछली वीडियो देखो। देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ओ माई गॉड, एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, और क्या बताया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन इट्स आर्क, उसके आर्क का लेंथ निकालना है।
और हमें दिया है R सबटेंडिंग एंगल 144। सबटेंडिंग एंगल कितना है 144, बोले तो थीटा 144 है और एरिया दिया है सर्कल का, तो उस हिसाब से हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है और उसके साथ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, उसके साथ सेक्टर का एरिया भी हमें निकालना है। तो दो अलग अलग चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ओके, रेडियस कहाँ से निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल को लेके। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लेता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, अपने जगह पे पाई पाई कट ऑफ हो गए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है तो आपकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गए। अभी रेडियस तो आ गई, अभी ये थीटा भाई साहब 144 डिग्री है, उन डिग्री को थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। देखो ये डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में कन्वर्ट करो, उसके बाद आगे का फार्मूला यूज करो। रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए इनको, रेडियन में नहीं कन्वर्ट किया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 144 को पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन हो गया। देखो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है, वो 1.1 ठीक से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, 144 और 180 दोनों भी 36 के टेबल में आते हैं, 36 फोर जा 144 और 36 फाइव जा 180 होते हैं। तो मेरे पास क्या आया, 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, ये आपके पास थीटा आया, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस आ गई 5 और थीटा आ गया 4 पाई अपॉन 5। तो अभी क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क को हम यस कहते हैं, क्या फॉर्मूला है, आर इंटू थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, आर थीटा। तो पहला आर कितना है, रेडियस मेरे पास 5 है, इंटू थीटा कितना है 4 पाई अपॉन 5 है, ये 5 5 कट ऑफ कितना आया 4 पाई सेंटीमीटर। क्या आया, लेंथ ऑफ एन आर्क मेरे पास है 4 पाई सेंटीमीटर, एकदम इजी, ज़्यादा कुछ बड़ा एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं लगाना, खाली सिंपल फार्मूला है, फार्मूला मालूम होना चाहिए। ओके, और ये वीडियो डायरेक्ट नहीं समझेंगे, जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके तो सिर के ऊपर से जाएगा। ओके, तो इसलिए पहले वाले सभी वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले 5 क्वेश्चन देखिए, सभी के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ एंड आर्क किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें हमने देखी। देखो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फार्मूले, एक तो फार्मूला नंबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा और दूसरा है फार्मूला नंबर 1/2 आर एस। तो देखिए अभी ये फार्मूला भी यूज़ किया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, बिकॉज वी हैव द हमारे पास आर की वैल्यू है 5 और थीटा जो है वो 4π/5, ये फार्मूला यूज़ किया तो भी चलेगा। या फिर मेरे पास रेडियस है और यस भी है, रेडियस बोले तो 5 है और यस कितना है मेरे पास 4π है, तो ये फार्मूला यूज़ करना बहुत आसान हो सकता है, 1/2 इंटू आर एस, ये फार्मूला फट के यूज़ करके हम झट से आंसर निकाल सकते हैं। बिकॉज ये फार्मूला यूज़ किया तो थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा है, बिकॉज टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी। ओके, कब कैसे टाइम जाएगा कोई बता नहीं सकता। ओके, घड़ी हमारे लिए रुकती नहीं जब हम एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये फार्मूला 1/2 इंटू आर कितना है बाबा, कितना है आर, आर 5 है, यस कितना है 4π, यस कितना 4π, 2 1 2 2 2 4, 5 2 10, 10π स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो अगर आपने ये फार्मूला यूज़ किया तो भी होगा ना, देखो 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर, इंटू थीटा कितना है, थीटा 4π/5, देखो कितना घिचमिट हो गया, 1/2 इंटू इधर आप लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, इंटू फिर से ये 4π/5 लिखोगे, अभी 5 1 5 5 5 5 25, 2 1 2 2 2 4, और कितना 5 2 10, तो इतना बड़ा 10π, इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करने का जब हम ये छोटा क्वेश्चन छोटा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे फार्मूला यूज़ करना, दिमाग लगाना, दिमाग की बत्ती जलाओ, पहले मिंटोस खाओ। तो देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अभी हम क्या करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको मार के लेना है तो ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट मारने से अच्छा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और पीडीएफ फाइल जो है आंसर की वो डाउनलोड करके लो। देखो अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज अगले क्वेश्चन की झलक ही पूरी तरह से अलग है, तो पहले मैं इसे रफ करता हूँ फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, ये ज़रा बड़ा है, देखो यहाँ से शुरू करेंगे लेकिन उसकी डायग्राम मैं वहाँ निकालता हूँ। OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, OAB है एक सर्कल का सेक्टर है, देखो मेरे पास ये सर्कल है, ओके, जिस सर्कल का सेंटर जो है वो O है, ठीक है, और क्या है OAB इज सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर देखो ये इस तरह का रहता है, ये जो पार्ट है इसे हम सेक्टर कहते हैं।
ओ ए बी, देखो ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल्स, ओके इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। तो आगे क्या दिया है, सेंटर एट ओ, ओ सेंटर है एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये भी 12 है, सेंटीमीटर में लिखो और ये भी 12 सेंटीमीटर, देखो ये रेडियस, रेडियस दोनों में रेडियस इक्वल रहते हैं। उसके बाद क्या दिया है, इफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 45 डिग्री, देखो ये ए ओ बी जो है ये 45 डिग्री है आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, देखो डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है हमें, तो दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना है, ओके वन मिनट, दो चीज़ों का, कौन से दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना है, एक तो है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ओ माय गॉड वन मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये जो हमारे पास ये जो सेक्टर दिया है ना, ये इतना बड़ा, हाँ ये टुकड़ा, ये सेक्टर का एरिया, और दूसरा ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया। अभी ट्रायंगल ए ओ बी कौन सा, देखो ए ओ बी, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो चीज़ें हैं उनमें का जो डिफरेंस है एरिया में, क्या डिफरेंस बोले तो इतना पार्ट का एरिया आपको आएगा, ओके तो इनका डिफरेंस निकालना कुछ ज़्यादा हार्ड काम नहीं, एकदम सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले क्या करो, ये सेक्टर का एरिया निकालो, ओके सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या दो चीज़ें लगती है, एक तो आपको रेडियस लगती है जो है 12 और थीटा लगता है 45 है, उसको रेडियन में करो, ओके और उसके साथ अभी ये ट्रायंगल का भी बाद में हम एरिया निकालेंगे, बिकॉज ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके तो हम निकालेंगे। चलो अभी पहले हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालने जाते हैं, लेकिन क्या क्या दिया है उस सेक्टर में, देखिए सबसे पहले मेरे को आर जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, इस सेक्टर में आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और जो आपके पास थीटा जो है वो कितना है 45 डिग्री है, तो पहले उसको रेडियन में करो, रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं 45 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको रेडियन में होगा 45 फोर ज़ा 180, सो देयरफॉर पाई अपॉन 4 रेडियन, ये आपका आया आंसर, ये आया थीटा, ओके अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। चलो एरिया ऑफ सेक्टर, ओके इसे हम एरिया वन कहेंगे, दो एरिया है ना हमारे पास, एक तो मेरे को सेक्टर का निकालना और बाद में ट्रायंगल का निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो ए वन, 1/2 इंटू आर स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, देखा था हमने, देखो 1/2 इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है बाबा मेरे पास, आर का जो वैल्यू है 12 है, तो 12 का स्क्वेयर कितना हो गया 12 इंटू 12 करो और इंटू पाई अपॉन 4 अपने जगह पे लिखो, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ 1/2 लिखा मैं, ओके ये यहाँ लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ 1/2 लिखा और इंटू 1/2 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा सॉरी 2 6 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आता है, तो अभी मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो ये तो 6 है और इंटू ये 3 भाई साहब है और इंटू पाई भाई साहब है, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा कितना आया 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ये जो एरिया है A1, A1 इज इक्वल टू 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, A1 एक एरिया, ओके जो एरिया किसका है, जो एरिया है इस आपके सेक्टर का। अभी सेक्टर के बाद मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ देखिए ना, समझो मैं अगर ओ ए को बेस लेता हूँ या फिर ओ बी को बेस लेता हूँ, ए बी को तो नहीं ले सकता बिकॉज ए बी की वैल्यू मालूम नहीं है, ओ ए को ले सकता हूँ या फिर ओ बी को ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ओ बी को अगर बेस लिया तो उसकी हाइट क्या होगी, देखो यहाँ से ऐसी हाइट परपेंडिकुलर में होती है, तो ये मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, ठीक है ये निकाला परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर निकालने के बाद आपको ये ट्रायंगल जो है ए, इसको एम कहेंगे, ए एम ओ, ये जो ट्रायंगल है उसमें एम 90 डिग्री ओ 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री, तो अभी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया 45 45 90 डिग्री का ट्रायंगल, तो 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल का एक फॉर्मूला रहता है कि साइड अपोजिट 45 डिग्री या फिर जो साइड, जो दो साइड राइट एंगल क्रिएट करती है वो दो साइड क्या होते हैं डायगोनल के, हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि बाबा ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ओ बी, ओके देयर फॉर इन ट्राइंगल ए एम ओ, इसमें क्या है एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयर फॉर एंगल ए इज इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री, देयर फॉर बाय 45 45 90 डिग्री थेरम या फिर प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ लिखता नहीं बिकॉज जगह कम है, हाँ यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दी है उसके ऊपर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, उसमें डिटेल्स में लिखा है, लेकिन बताऊंगा डिटेल्स में, लिखूंगा शॉर्टकट में। तो क्या होगा हमारे पास, देखो पहले मेरे को एएम निकालना है, तो हमारा जो एएम है वो क्या है 1/√2 इंटू डायगोनल रहता है, डायगोनल क्या है ओए है, ओके देयरफॉर 1/√2 इंटू ओए कितना है मेरे पास 12 है, तो मैं क्या करूंगा 12/√2, तो एएम इज इक्वल टू मेरे पास आया 12/√2 मैंने लिखा,
तो 12/√2 को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन बाद में हम लिखेंगे इसको √2 के स्वरूप में, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी लिख सकते हो इसको √2 से ऊपर और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो करते हो तो आपको थोड़ा सा एक अलग आंसर मिलेगा। देखो ऊपर और नीचे √2 और √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे पास क्या आता है 12√2 और डिवाइडेड बाय √2 × √2 ओनली 2 टू वन जा टू टू सिक्स जा तो कितना आया 6√2 आया मेरे पास। AM कितना आ गया 6√2। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AMO नहीं AOB निकालूंगा। AOB ये ट्राइंगल का AOB जिसका बेस OB और हाइट क्या करेंगे हम AM लिखेंगे, तो 1/2 जिसे हम क्या करेंगे एरिया 2 कहेंगे। एक एरिया 1 है इसको एरिया 2 कहेंगे, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। हमारा OB बेस है तो हाइट क्या हो गई AM हाइट हो गई। ठीक है, तो मेरा एरिया क्या होगा 1/2 OB जो बेस है वो 12 है और हाइट जो AM है वो क्या है 6√2 है, तो 2 × 2, 2 × 3 = 6 हो गया मेरे पास। ओके, तो अभी क्या हो गया एरिया 2 जो है वो मेरे पास क्या हो गया 12 × 3 = 36 √2 square centimeter हो गया। तो ये हो गया एरिया 2। अभी मुझे जो निकालना है एरिया वो क्या निकालना है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय सॉरी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बाबा डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये दोनों में का जो डिफरेंस है वो क्या होगा A1 - A2। A1 बोले तो ये आपका सेक्टर का एरिया, -A2 बोले तो ट्राइंगल का एरिया। तो A1 जो अपना सेक्टर है, सेक्टर का एरिया क्या था 18 π² cm, 18 π, और -A2 का कितना था 36√2। अभी दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 18 तो कॉमन निकलेगा, 18 को कॉमन निकाला, पाई अपने जगह पे माइनस 18 2 जा मेरे पास आता है 18 2 = 36 और ये √2 अपने जगह पे आया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेरा आंसर आया डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इन दोनों में का डिफरेंस 18 π - √2 square centimeter। ओके, तो दोस्तों अभी अगला 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी टाइप का है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं, मैं खाली आंसर देखता हूँ कि बाबा आपका हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया है नहीं तो गलत अगर आंसर आया तो खाली गड़बड़ होगी। ठीक है, हाँ राइट आंसर है। तो अभी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम इसी तरीके का है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ये बाकी चीज़ों को रफ करता हूँ, ओके, और जिनकी ज़रूरत है उनको लिखता हूँ। 8th नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों देखो फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नए हो ना अपने चैनल पे तो प्लीज़ चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एकदम फ्री में, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मैं डायग्राम को ऐसे ही रखता हूँ बिकॉज क्या है कि डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करेंगे, खाली नाम ही हमें चेंज करने बाकी कुछ नहीं। खाली अभी देखो ये डायग्राम में क्या नाम चेंज होगा क्या बताया है, देखो अभी हम ये क्वेश्चन में अगर देखा ठीक से तो क्या है 8th नंबर का क्वेश्चन, OPQ इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी सेक्टर क्या है OPQ मैं फास्ट बताएंगा बिकॉज पहले जैसा है। दूसरी बात हैविंग सेंटर O, चलो एंड रेडियस 15, पिछले टाइम रेडियस 12 थी, अभी रेडियस कितनी बाबा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ है क्या, चीज़ क्या है POQ 30 डिग्री, पहले 45 था अभी ये POQ भाई साहब 30 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बताने को कहा, क्या पूछा है फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। ये देखो ये आर्क PQ आपके, ये देखो ये आर्क PQ और ये कॉर्ड PQ, इन दोनों ने इनक्लोज किया हुआ जो एरिया है पार्ट है उसका एरिया निकालना है, बोले तो यही एरिया निकालना है आपको सेक्टर के एरिया से, किसका एरिया माइनस करना है सेक्टर के एरिया से आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, सेम फॉलो करना है चीज़। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ 8 नंबर के क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि बाबा रेडियस जो है मेरे पास रेडियस कितनी दी है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस के साथ मेरे को थीटा जो दिया है, थीटा कितना दिया है बाबा 30 डिग्री दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को मैं क्या करूंगा रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, तो उसके लिए 30 × π/180 करूंगा, ऊपर हो गया डिग्री 36 × 180 तो π/6 रेडियन आ गया, ये आ गया मेरा थीटा। अभी मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर पहले एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो A1 पिछले टाइम के जैसा, उसका फॉर्मूला क्या 1/2 r² थीटा मालूम है हमको,
वन अपॉन टू इंटू आर स्क्वेयर, आर कितना है बाबा मेरे पास 15 है, 15 का स्क्वेयर कितना आता है 225 है, डायरेक्ट स्क्वेयर लिखो, चलो आर स्क्वेयर बोलो तो आर 15 है, 15 का स्क्वेयर 225 इंटू थीटा, थीटा क्या है पाई अपॉन 6, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आया देखो, ए टू इज इक्वल टू क्या आया, ऊपर तो मैं 225 लिखूंगा और ये पाई भाई साहब लिखूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा 6 × 2 = 12, 225 यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, 225 पाई अपॉन 12 ये आ गया मेरा आंसर, 225 पाई अपॉन 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया वन आ गया, एक तो एरिया आ गया। अभी दूसरा जो एरिया है वो दूसरा एरिया क्या आएगा, दूसरा एरिया तो मुझे निकालना पड़ेगा। अभी दूसरा एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया, लेकिन उसके पहले मेरे को ये हाइट पीएम, तो मैं क्या ड्रॉ किया यहाँ, यहाँ लिखूंगा कि बाबा ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर ओकी, पीएम और ओक्यू ये दोनों को मैं क्या किया उनका परपेंडिकुलर निकाला। तो अभी ये परपेंडिकुलर निकालने के बाद देयर फॉर एन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये ट्रायंगल में एंगल ओ इज इक्वल टू 36, एंगल ओ जो है वो 30 डिग्री है, उसके बाद एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, देयर फॉर ये पी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अभी कौन सा होगा, देयर फॉर बाय 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम, साइड अपोजिट 30 डिग्री, पीएम निकालना साइड अपोजिट 30 डिग्री, हाइपोटेनस के 1/2 टाइम्स रहती है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि बाबा देयर फॉर पीएम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस जो है वो ओपी है, तो 1/2 इंटू ओपी कितना है 15, तो मेरे पास पीएम जो है अपना ये 15 ऊपर और नीचे 2, 15/2 आया, ठीक है। अभी इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या ओ क्यू है और इंटू हाइट क्या है पी एम है, ठीक है। तो इसको मैं एरिया 2 कहूँगा, 1/2 इंटू ओ क्यू जो मेरे पास है 15 है और इंटू पी एम जो है मेरे पास, ये जो पी एम आया कितना 15/2 आया, ओके। तो अभी देयर फॉर ए टू कितना आया मेरे पास देखो, 15 × 15 = 225 और डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4, तो ए टू इज इक्वल टू 225/4 आ गया। तो एकदम ईजी है, पहले जैसा है दोस्तों, आप 11th में हो तो थोड़ा समझ के लेना चाहिए, फिर से डबल इस वीडियो को देखो आपको 100% समझेगा। अभी आगे मैं क्या करूँगा देखो, मुझे जो रिक्वायर एरिया है वो क्या है कि बाबा एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू, तो मैं क्या करूँगा ये सेक्टर का एरिया जो A1 है उसमें से मैं माइनस करूँगा सर्कल अर्थात ट्राइंगल का एरिया A2, ओके। तो यहाँ निकालूंगा मैं द एरिया इनक्लोज, ओके इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू एंड क्वाड पी क्यू, ओके। तो वो एरिया क्या होगा A1 - A2, A1 कितना 225/12π, 225/12π और माइनस एरिया 2 जो है वो मेरे पास क्या है 225/4। देखो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 225/12 में से 225 तो कॉमन निकल सकते, डिवाइडेड बाय ऊपर वाला जो पार्ट है 225, ऊपर वाला जो पार्ट है उनमें से 225 कॉमन निकालो और नीचे देखो 4 और 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसलिए 4 को कॉमन निकालो, तो अंदर क्या रहेगा 225 बाहर और 12 में से 4 आया बाहर, तो 4 × 3 = 12, तो ऊपर का ये पाई रहेगा अपने जगह पे और डिवाइडेड बाय 4 × 3 = 12 इसलिए 3 और माइनस ये 225/4 पूरा क्या पूरा यहाँ आया है बाहर, तो अंदर क्या रह गया ओनली 1 रह गया, बाहर सब आए तो अंदर 1, अंदर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1, बिकॉज जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये आ गया अपना आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में कि 225/4 और इन ब्रैकेट π/3 - 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया हो गया। तो इस पार्ट को आपको ज़रा ठीक से ध्यान में रखना है, यही स्टेप को क्या 225 ऊपर से 225 कॉमन निकालें तो ये पाई में का पाई रह गया और 225 में का कुछ नहीं बोला तो 1, नीचे 12 और 4 में से हमने क्या निकाला 4, बिकॉज 12 और 4 दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, तो ये आंसर मेरा आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था 8th नंबर का ही हमने सॉल्व किया है। अभी हम 9th और 10th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो ले सकते हो, ओके यस। तो अभी 9th और 10th नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय एकदम इजी क्वेश्चन है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखो बहुत सारे बच्चे अपनी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक्स इतने कम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका हर एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक के साथ अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, एकदम फ्री में सब्सक्राइब करूँगे, कोई सब्सक्राइब करने के लिए क्या पैसा वैसा नहीं देना पड़ता आपको, एकदम फ्री में। अगला जो क्वेश्चन है 9th नंबर का, देखो इसमें क्या बताया है, सेम है 9th और 8th, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का जो पेरीमीटर दिया है
ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 225 square centimeter, 25 pi आना चाहिए यहाँ, ओके 25 pi square centimeter आना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल 25 pi square centimeter और यहाँ 64 pi square centimeter आना चाहिए। मैंने गलती से थोड़ा सा लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 square centimeter, मतलब देखो ऐसे सर्कल का पेरीमीटर जिसका एरिया 225 square centimeter है इज 20 centimeter, जो पेरीमीटर है वो कितना है 20 centimeter है और एरिया 25 pi square centimeter, ये ध्यान में रखो। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या करूँगा, मैं एरिया ऑफ सर्कल लिखूँगा। देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 pi square centimeter एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर रहता है और ये मेरा है 25 pi, पाई पाई कैंसिल हो गए तो आर स्क्वायर 25, तो मेरा आर कितना हो गया 5 हो गया, 25 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 centimeter, आर 5 centimeter। और दूसरी बात मेरे पास है पेरीमीटर जो है वो 20 है, पेरीमीटर क्या है 20 centimeter, पेरीमीटर देखो पेरीमीटर ओके इज इक्वल टू 20 centimeter। पेरीमीटर किसे कहते हैं, देखो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, देखो ठीक से देखो, ये मेरे पास एक सेक्टर है, समझो ए है बी है और सी है, एक सेक्टर है, इसका पेरीमीटर मतलब क्या, अभी किधर गया दूसरा वाला पेन, चलो ब्लैक पेन तो नहीं मिल रहा, तो देखो इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये समझो एक रेडियस है, ये एक रेडियस है और ये आपका यस है, यस बोले तो ये आपका क्या है आर्क है, तो ये आर्क प्लस ये रेडियस है सबके एडिशन मतलब आपका क्या आता है पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर मतलब क्या, आर प्लस यस इज इक्वल टू 20। अभी आर कितना है, रेडियस कितना 5 है, तो 5 प्लस यस इज इक्वल टू 20। देखो आपको एस की वैल्यू मिलेंगी, एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क मिलेगी। तो अभी देखो 5 प्लस 5 10 होता है, 10 प्लस यस इज इक्वल टू 20। सो देयर फोर आपके पास यस इज इक्वल टू कितना आया, ये 20 अपने जगह पे, 10 प्लस वो बाजू में गया माइनस, सो देयर फोर एस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 आ गया 10 सेंटीमीटर। देखो यस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और आर 5 है, तो अभी आप एरिया ऑफ सेक्टर आराम से निकाल सकते हो। तो देयर फोर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर एस, रेडियस है, रेडियस भी है और यस भी है, तो आप 1/2 आर एस लिख सकते हो। तो देखो 1/2 इंटू आर, रेडियस कितना 5 है तो मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, और इंटू यस कितना है 10 है तो 10 लिखता हूँ। देखो 2 1 2 2 5 10, तो अभी 5 5 25 square centimeter, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस तरीके से दोस्तों ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एकदम ईजी है। 10 नंबर का क्वेश्चन भी ईजी है, अभी मैं इसे फास्ट बताऊँगा बिकॉज सेम है। देखो क्या दिया है अभी यहाँ, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एरिया 64। अभी एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपको दिया है 64 pi square centimeter। तो आपके पास पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 64 pi हो गया, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 64, तो आर कितना हो गया 8 हो गया। आपके पास आर की वैल्यू बोले तो रेडियस आपके पास 8 है, तो अभी आप क्या निकालोगे, रेडियस के बाद आपको पेरीमीटर कितना दिया है यहाँ, पेरीमीटर जो है ओके कितना दिया है, पेरीमीटर जो है वो दिया है 56, पेरीमीटर 56, तो यहाँ 56 पेरीमीटर बोले तो आर प्लस यस होता है इज इक्वल टू 56, बराबर ना, पेरीमीटर क्या आर प्लस यस, रेडियस कितना 8 है, तो 8 प्लस यस इज इक्वल टू 56 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, 16 प्लस ये यस इज इक्वल टू 56 हो गया, 16 प्लस है वो बाजू में गया माइनस, एस इज इक्वल टू 56 माइनस 16 हो गया, तो यस इज इक्वल टू 56 में से 16 गए 40 सेंटीमीटर हो गया। आपका लेंथ ऑफ एन आर्क 40 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, मैं ओनली एरिया ए लिखता हूँ, जगह कम है इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू आर इंटू यस लिख सकते हो। तो 1/2 इंटू आर कितना है मेरे पास, तो 8 है, आर की वैल्यू 8 है, और इंटू यस बोले तो लेंथ ऑफ एन आर्क 40 है यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हो 40, 2 1 2 2 4 कितना आता है 8 आता है, तो मेरे पास 4 इंटू ये 40 भाई साहब जैसे है वैसे, अभी 44 कितना आएगा, 44 16 आता है, 60 आता है, 160 आता है, तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सरसाइज नंबर खत्म होती है, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट मार्क कर लेना है तो ले सकते हो ओके यस। तो देखो दोस्तों इस तरीके से ये आपके सभी 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बहुत इंपॉर्टेंट थी।
देखो दोस्तों 1.2 देखने से पहले, इसके पहले मैंने वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर डिस्कस किया है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी देखिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अभी क्या करो मालूम है कि अभी आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारी चीज़ें। पहली बात, प्रैक्टिस सेट नंबर या फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 की लिंक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 की भी लिंक है, उसके साथ इस जो टॉपिक है इसके सभी नोट्स है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 दोनों के नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ रुकते हैं, लेकिन जाने से पहले जाते जाते प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी होगी तो, और लाइक करने के बाद उसके बाजू में एक सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक बेल का बटन है वो भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, नहीं बेल का बटन दबाते तो हमारी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचेगी। ठीक है, आज यहाँ रुकते हैं, अगले वीडियो में हम मिस सेलिनियस 1 देखेंगे। ओके, बाय, सबको धन्यवाद।